Good morning, students, and again welcome back you all in my class. So dear students, today I will start our new chapter, that is determination of income and employment. Okay, this chapter is actually from macroeconomics. Okay, that is part B. Okay, so आज मैं start करूंगी determination of income and employment. Determination of income and employment. Determination of income and employment. Income and employment. Okay? So this chapter is actually from macroeconomics, my dear student. So मतलब उस चैप्टर में आपको पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड अबाउट एडी, अबाउट एएस, अबाउट कंजम्पशन फंक्शंस, अबाउट कंजम्पशन फंक्शन, अबाउट एपीसी, अबाउट एमपीसी, about APS, about APC. Okay, so what is the full form of APC, ADAS? Okay, so the full form of AD is aggregate demand. Okay, aggregate demand. Then the full form of AS is aggregate supply. Okay, and then the full form of APC is average propensity to consume. Average propensity to consume. Average propensity to consume. And then the full form of MPC is marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume. Then the full form of APS is average propensity, average propensity to save, saving. Okay, जो हम लोग सेव करते हैं पैसा, बैंक में सेव कर सकते हो, कहीं पे भी आप लोग सेव कर सकते हो, ठीक है. सो APC, सॉरी MPS. ओके, MPS means marginal propensity to save. Marginal propensity to save. Okay. So abhi hum log, now in this class I will discuss about the term aggregate demand and about the term aggregate supply and also about consumption function. Okay. So dear students, और सारा टॉपिक है इस चैप्टर में, तो हम लोग अगर हो सकेगा तो हम लोग सब टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, वो सब टॉपिक, अगर नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड मींस टोटल डिमांड, टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री. दैट मीन्स टोटल कितना डिमांड होता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए विद इन वन ईयर ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड. जैसे कि एक ईयर में कितना डिमांड है, टोटल डिमांड को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे. दैट इज टोटल, टोटल डिमांड फॉर व्हाट? टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, सो टोटल डिमांड फॉर फाइनल, टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल जो डिमांड होगा गुड्स एंड सर्विस के लिए उसे हम लोग बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड. ओके, व्हिच आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, which हमारे कंट्री में जो प्रोड्यूस्ड होता है, which प्रोड्यूस्ड
within an economy. Within an economy. Okay, that means by the term aggregate demand, what do you mean? By the term aggregate demand, aggregate means what? Aggregate means what? Aggregate means total. Hekine means as a whole. As a whole. Aggregate matlab sabka. जो टोटल डिमांड होगा गुड्स एंड सर्विसेज के लिए उसे हम लोग बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड. सेम उसका ऑपोजिट क्या है? एग्रीगेट सप्लाई. सो व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई मींस टोटल सप्लाई. ठीक है, जो टोटल सप्लाई होता है गुड्स, ठीक है, विदिन एंड वन ईयर, मतलब वन ईयर के अंदर में जो टोटल सप्लाई होगा, दैट मींस एग्रीगेट सप्लाई मींस टोटल सप्लाई. ओके, टोटल सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विदिन एंड इकोनॉमी, दिस इज कॉल्ड व्हाट? एग्रीगेट सप्लाई. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड. ठीक है, टोटल डिमांड जो गुड्स हमारे कंट्री में प्रोड्यूस्ड होता है विदिन एन इकोनॉमी. ठीक है, सो टोटल एग्रीगेट सप्लाई मींस टोटल सप्लाई, कितना सप्लाई करना है, मतलब टोटल सप्लाई कितना हुआ है, टोटल सप्लाई मतलब कितना प्रोड्यूस्ड हुआ है कि नहीं, उसको आप बोल सकते हो प्रोड्यूस्ड. ओके, सो प्रोड्यूस्ड. ठीक है, एक फार्म क्या करता है, कुछ भी बोलो, कुछ क्या करता है, फार्म प्रोड्यूस करता है कि नहीं. तो टोटल कितना सप्लाई करेगा, मतलब एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल सप्लाई. ठीक है, सो आई होप एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आप लोगों को समझ में आया है. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन. सो the term consumption function shows the relationship between consumption and income. okay, so consumption function ka matlab kya hota hai? consumption function it shows the relationship between consumption and income. it shows the relationship between consumption and income के बीच में जो relation होता है, हम लोग क्या करते हैं? income करके consume नहीं करते क्या? consume करते. जो relationship show करता है कंजम्पशन एंड इनकम के बीच में, उसे हम लोग बोलेंगे कंजम्पशन फंक्शन. ओके, सो प्लीज वन मिनट. सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C is equal to C bar plus B y. Okay, so consumption function is actually represented by C bar plus B y. Okay, so C stands for what? C stands for consumption. Okay, then C bar stands for autonomous consumption. Autonomous consumption. Okay, then next is B stands for marginal propensity to consume, that is MPC. Okay, so what is the full form of MPC? That is marginal propensity to consume. Then next is Y. As you know that Y stands for what? Income. Okay, so our consumption function shows the relationship between consumption and income. Consumption मतलब which are actually used by the consumer. ठीक है, जो हम लोग use करते हैं, ठीक है, using up of goods. And then income, तो हम लोग जो income करते हैं, so income is denoted by Y. Okay, so dear students,
व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन. ओके, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन हम किसको बोलेंगे? ऑटोनोमस. व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन? ओके, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन, इज कॉल्ड एसी, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन. ओके, आप लोग ऐसे मत लिखना, आप लोग पूरा ऑटोनोमस कंजम्पशन आप लोगों को लिखना है, एग्जाम में कभी भी एसी ऐसा मत लिखना, मार्क्स कट हो जाएगा. ठीक है, सो ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है जो हम लोग कंजम्पशन करते हैं इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. अगर आपका कुछ इनकम ना भी हो तब भी आप लोग क्या करोगे, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको पहनना पड़ेगा, है कि नहीं. सो इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कुछ हद तक कंजम्पशन होता है कि नहीं. अगर कोई इनकम ना करता है तो बिना खा के रहता है क्या? नहीं ना कुछ वो कंज्यूम करता है. सो कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड व्हाट? ऑटोनोमस कंजम्पशन. ओके, सो जब हमारा कुछ इनकम नहीं होता है, इनकम, योर इनकम इज जीरो, बट उस टाइम जो कंजम्पशन हम लोग कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, उसे हम लोग बोलेंगे ऑटोनोमस कंजम्पशन. ठीक है, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज एमपीसी. एमपीसी, ओके, सो एमपीसी मींस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू वर्क, marginal propensity to consume. Okay, so and it is represented by what? Represented by changing C divided by changing Y. So C stands for what? Consumption, and Y stands for what? Income. Okay, so MPC shows the ratio of change in consumption to change in income. मतलब income में change होने के कारण, due to change in income, ठीक है, हमारे consumption में कितना changes आ रहा है. ठीक है, पहले initially आपका इनकम था 10,000, ओके, योर इनकम इज व्हाट? 10,000, बट नाउ योर इनकम इंक्रीजेस, नाउ योर Y1, दैट इज योर इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 10,000 टू व्हाट? 15,000. तो योर इनकम इंक्रीजेस बाय हाउ मच? 5,000. सो ड्यू टू चेंज इन योर इनकम आपके कंजम्पशन में क्या चेंजेस आ रहा है? तो मतलब इनकम चेंज हुआ, 5,000 इंक्रीज हुआ, तो वो 5,000 इंक्रीज होने के कारण आपके कंजम्पशन में कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा, है कि नहीं. तो उसे हम लोग बोलेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ओके, सो इनकम चेंज होने के कारण कंजम्पशन में जो इम्पैक्ट आएगा ड्यू टू चेंज इन इनकम, कंजम्पशन में जो इफेक्ट आएगा उसे हम लोग बोलेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ओके, सो एज वी नो दैट व्हेन आवर इनकम इंक्रीजेस, प्लीज, व्हेन आवर इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, बट नॉट एज मच एज इनकम इंक्रीजेस. जितना इनकम इंक्रीज हुआ उस तरह से कंजम्पशन आपका इंक्रीज नहीं हो सकता, बट वो इंक्रीज होगा. When your income increases, consumption also increases. ठीक है, but जितना income increase हुआ उतना consumption increase नहीं हो सकता है, लेकिन increase होगा. ठीक है, when your income increases, consumption also increases. Okay, वो क्या, वो हम लोग बोलेंगे केन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज एमपीसी, आई होप आप लोगों को समझ में आया है. एंड देन व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, एंड देन व्हाट इज ऑटोनोमस फंक्शन, एंड एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल कितना सप्लाई हो रहा है हमारे इकोनॉमी में, ठीक है, विद इन वन ईयर. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, वो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से है, दैट इज फ्रॉम पार्ट बी. सो योर टुडेज होमवर्क इज आप लोगों को लिखना है कि व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड,
Then what is self-digate supply? Then what is MPC and autonomous consumption function? मतलब आज जितना टॉपिक हुआ है उसको आप लोगों को कॉपी में लिख के मुझे सबमिट करके दिखाना है, ठीक है? So dear students, for today